नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल की ओर से बेहतरवे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में अतिथि श्री प्रेमचंद जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद श्रीमान कैलाश जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद सरपंच प्रतिनिधि श्री महावीर जी सिसोदिया का स्वागत किया गया। उसके बाद सीआर साहब का स्वागत किया गया। एसएमसी अध्यक्ष श्री श्रवण जी का स्वागत किया गया। उसके बाद सरपंच प्रतिनिधि श्री महावीर जी सिसोदिया को शापा बंधाकर उनका स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलित कर गणतंत्र दिवस की शुरुआत की गई। इसके अंदर संस्था प्रधान द्वारा ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे संस्था प्रधान महोदय श्री श्याम सुंदर जी शर्मा द्वारा उद्बोधन दिया गया। और एसडीएमसी के सदस्य महोदय और मेरे साथियों, आज के इस पावन पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस पवित्र दिवस, लेकिन इस वर्ष ये द्वितीय पर्व ऐसा है कि अभी तक भी सरकार का जो लेकिन उपस्थिति भी आवश्यक है, इसलिए विद्यालय परिवार ने आपको आमंत्रित किया है। आप यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारा कोई विशेष कार्यक्रम हम कर नहीं सकते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए मंगलमय हो। संस्था प्रधान महोदय के बाद श्री प्रेमचंद जी चार्टिया द्वारा उद्बोधन दिया गया। मना पा रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्देश और आदेश है, उसी के अनुसार इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज के दिन जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन को हम बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आप सभी को मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि सभी स्वस्थ रहे और इस कोरोना काल में आप सभी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सभी का प्रसन्नता से कार्य करें। और जिस तरह से गुरु जी बता रहे थे कि विद्यालय के द्वारा जो गांव में जाकर चौपाल बनाकर बच्चों को बुलाकर व्रत दिया जा रहा है, कार्य कराया जा रहा है शिक्षा का, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं विद्यालय परिवार का उन्हें आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा बच्चों के लिए विद्यालय के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। और विद्यालय की प्रेम जी के बाद श्री कैलाश जी, जिनका नाम लोभचंद जी भी है, के द्वारा उद्बोधन दिया गया। पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों और इस विद्यालय स्टाफ के सभी हमारे गुरु, सर ने भी बताया था कि कोरोना काल की वजह से यह जो प्रोग्राम होना था वैसा प्रोग्राम हो नहीं रहा है। और यह हमारे अकेले की नहीं है, विश्व स्तरीय समस्या है जिससे लगभग पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन अब तो काफ़ी हद तक हमने सफलता इसमें प्राप्त कर ली है। इस कोरोना की वजह से विद्यालय का हो, चाहे समाज का हो, चाहे सब तरह का नुकसान हुआ है। लगभग मेरे हिसाब से एक साल से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं और जो रेगुलरिटी या निरंतरता होती है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे स्टाफ ने या हमारे विद्यालय के जो गुरुजन हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ उन पर, सुरेश जी सर बहुत सारे वीडियो डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर उसमें जुड़ने में लोगों में कुछ कमी रह गई हो तो हम प्रयास करेंगे कि उनको, लोगों को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, आगे भविष्य में उनको इससे फ़ायदा मिले। विद्यालय स्टाफ का इस कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हो, चाहे लोगों को समझाने के रूप में हो, हर जगह विद्यालय स्टाफ ने, मतलब जहां 100% होना चाहिए वहां पे उससे भी बढ़कर लोगों में काम किया। इसलिए इस काम के लिए मैं विद्यालय स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
आप, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे विद्यालय का स्थापना वर्ष 1910 और हमारा विद्यालय क्रमोन्नत 2015 में हुआ था। 1910 का मतलब यह है कि लगभग 40 किलोमीटर की परिधि में जब स्कूल नहीं थे उस समय हमारे इस गांव में विद्यालय था। आज के समय की बात करें तो लगभग हर तरीके से संसाधन और स्टाफ से समझे तो सारी समस्याएं नहीं हैं। विद्यालय में पूरा स्टाफ है, बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है। ये गुरुजनों की ही एक शिक्षा होती है जो गांव को विकसित करती है या गांव आगे बढ़ता है। किसी गांव की आगे बढ़ने की पहचान यही होती है जिसका मूलभूत जो जिन नींव होती है वो विद्यालय या शिक्षक होते हैं। हमारे इस विद्यालय में आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा और आपने बहुत अच्छा काम किया। काम करना आपका है, अगर किसी तरह की संसाधनों की या किसी और मतलब समस्या है तो आप हमें बेझिझक बताएं। विद्यालय में किसी भी प्रकार के संसाधन की हो या कोई भी सुविधा हो या बच्चों के पढ़ाई संबंधित या और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें बेझिझक करें, मतलब सूचित करें, उसको पूरा करवाना हमारा काम है। उसके लिए हम पूर्णतया आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए या किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम 24 घंटे इस स्कूल के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही कहकर अपना उद्बोधन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कैलाश जी के बाद श्री महावीर जी सिसोदिया का उद्बोधन हुआ। मेरे बड़े भाई कैलाश जी गाँव से पधारे हुए, पिता तुल्य बुजुर्ग था, पिता तुल्य बुजुर्ग सिर्फ अपने उद्बोधन के माध्यम से स्पष्ट करा दी है। मेरा विद्यालय स्टाफ से यह निवेदन रहेगा कि आने वाले 5 साल इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए स्वर्णिम रहेंगे लेकिन इस विद्यालय के लिए भी आने वाले 5 साल काफ़ी स्वर्णिम रहेंगे। विद्यालय में होने वाले पंचायत के माध्यम से किसी प्रकार के कोई काम, क्योंकि सबसे पहले पंचायत के प्रतिनिधि होने के माध्यम से हमारा ये धर्म बनता है कि इस विद्यालय में पंचायत के माध्यम से होने वाले जो भी काम है, आदरणीय परदेव जी सर ने मेरे को पहले व्यक्तिगत रूप से सूचित करवाया था, शौचालय की आवश्यकता है। और एक मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि 15 अगस्त से पहले अपन एक ये जो स्टेज अपना जो कार्यक्रम पीछे होता है उसमें एक स्टेज बना के उसको अपन तैयार करें। तो आने वाली 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो जो कार्यक्रम होगा उसमें हम एक स्टेज बना के तैयार करें ताकि विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम और गाँव में अन्य होने वाले कार्यक्रम के लिए एक मंच हमारे लिए तैयार रहें। और विद्यालय में क्योंकि कोई भी कार्य होता है हमेशा मिल के सफल होता है, शुरू से ही इस गांव के सम्मानित ग्रामवासी और भामाशाह को हमेशा समय समय पर इस विद्यालय में हमेशा सहयोग रहा है। और आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी जो सहयोग और जो साथ गांव वालों का बना रहा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। गांव के जो भामाशाह है, मेरे युवा भाई हैं जो आज व्यापार के रूप में, सर्विस के रूप में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, मेरा इस मंच के माध्यम से उन सबसे ये एक निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय से हम सब पढ़ के निकले हैं तो हमारा एक धर्म बनता है कि ये विद्या का मंदिर है। इस विद्या के मंदिर को ध्यान रखना और इनकी जानकारी रखना ये केवल विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं होती है, अभी तो पूरे गाँव वालों की जिम्मेदारी होती है। आप सबसे निवेदन यह रहेगा कि समय समय पर विद्यालय में पधारें, विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लें, किसी प्रकार की विद्यालय में कोई समस्या है, किसी कार्य की जरूरत पड़े तो मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा, SMC अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि कमेटी का गठन करें। महावीर जी सिसोदिया के बाद श्री दादूलाल जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। अच्छा नहीं लगता, उसी तरह आज बिल्कुल ऐसा इतने सालों में ऐसा लग रहा है आज बिना किसी कार्यक्रम के ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड जो ये बीमारी अब कंट्रोल हो रही है वैसे धीरे धीरे हो जाएगी और आने वाले शायद 1-2 महीने में बच्चे सारे स्कूल में आने लग जाएंगे। तो हम सब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और मैंने 2-3 साल पहले बोला था की बात 15-20 हज़ार रुपये जो भी है वो अगर ज़रूरत नहीं हो तो दूसरे काम में आप के लिए मेरे को बोल सकते हैं, वो उसमें लगा देंगे जो भी अपने विकास।